अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी कराची कंपनी इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर से हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 5000 यूटिलिटी स्टोर हैं जिनमें मेगा स्टोर की तादाद 200 से ज़ायद है। वहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये पैकेज दिया है कि आम आदमी को यहाँ पर साफ़ सुथरी मियारी चीज़ें अरजा निरखों पर मुहैया हों। यही वजह है कि आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जो आवाम को सहूलत दी गई हुकूमत की तरफ से, इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे, यहाँ पे स्टोर के लोगों से बात करेंगे, फिर हमारी कोशिश होगी कि यूटिलिटी स्टोर के जो आला हुकाम हैं उन तक पहुँचें, उनसे बात करें और ये सारी सूरत हाल आपके सामने पेश करें। चीनी और आटे में और घी में काफ़ी फ़र्क है मार्केट से, तो इसलिए हम इधर से लेने आए हैं। नहीं, ये चीज़ें भी अच्छी है। कितना फ़र्क है? घी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना घी? बाहर तो वो 425 में मिल रहा है, इधर तकरीबन 250 में मिल रहा है। 150 का फर्क? जी जी। और आटा? आटा इधर 400 का मिल रहा है, बाहर से तो महंगा ही है काफ़ी। जी, यूटी स्टोर में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है और गरीबों को खास तौर पर बहुत ज़्यादा रिलीफ है। आप बाहर जाते हैं, यहाँ पे कितनी प्राइस है वो बाहर की नस्बत बहुत कम है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और वक्त पे मिल रही है। चीनी भी मिल रही है, आटा भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यानी हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे किए हैं और गरीब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। दरअसल ये बात है कि रमज़ान में उनको कीमत बहुत ज़्यादा कम मिलती है, उनकी कोशिश होती है कि अगर 2-3 माह का इकट्ठा राशन ले लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ये बात हो सकती है। अदरवाइज़ तो बाद में इतना नहीं है डिस्काउंट जितना के रमज़ान शरीफ में मिलता है। जी माशाल्लाह, फ़ायदे में बचत हो रही है हर चीज़ में, इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ से। ऑयल में भी बचत है, घी में भी बचत है, काफ़ी बचत है। गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा है पैकेज है। नहीं, ये तो सस्ता मिल रहा है, बाहर जो है महंगा दे रहे हैं। अच्छा भी है? जी अच्छा भी है। हमने ये चीनी लिया और घी लिया है, ये ठीक है, मुनासिब भी है और अच्छा भी है। नाजरीन, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे वही लोगों की अक्सरियत है जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, जब आपको घी में, चीनी में, दालों में, ये शरबत की बोतलों में, चाय की पत्ती के डब्बों में रिलीफ मिलेगा तो लोग इधर आएंगे। क्या क्या खरीदा जी आपने? ये तो दिल्ली की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में। आईडी कार्ड आप चेक करते हैं? आईडी कार्ड के बगैर नहीं देते। ये इसमें सिस्टम ऐसा है कि ताकि हर बंदे को आसानी से मिल सके, इसलिए आईडी कार्ड के बगैर जो जितनी सब्सिडाइज आइटम है वो एंटर ही नहीं होती, इसलिए आईडी कार्ड लेते हैं। इसका मतलब है पहले ये तासर ठीक था कि ज़्यादातर चीज़ें जो सस्ती होती हैं वो दुकानदार ही उठा के ले जाते, तो इसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये जो है आईडी कार्ड का सिस्टम लगाया गया, जो अच्छा है आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। हाजी साहब, ये शनाती कार्ड वाला जो सिस्टम किया गया अच्छा है? जी अच्छा है, ठीक, ये इसे आसानी से मिल जाते हैं सबको। उसमें सर दालें हैं, चावल हैं, मशरूबात हैं, घी है, दूध है, जो भी रोज़मर्रा की लाजमी चीज़ें हैं उन सब पे सब्सिडी है। चीनी पे 70, मतलब अब पहले भी 85 थी लेकिन अब 70 रुपये कर दिया गया कीमत को। घी की कीमत 260 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट के हिसाब से, कम अज़ कम 150-200 रुपये का पर पैकेट के हिसाब से डिफरेंस है। इसी तरीके से आटा पहले 950 का चल रहा था, अभी वो 800 रुपये का कर दिया है, जो कि कम से कम 1400-1500 रुपए का मार्केट में मिलता है। आप ये मुझे बताएं कितने बजे आपका स्टोर खुलता है, कितने बजे बंद होता है? ये सर हम ओपन करते हैं 9 बजे और दरमियान में ब्रेक होती है 2 घंटे की अफ्तारी के टाइम, और उसके बाद 1 बजे तक लगातार हम चलते हैं, रात के 1 बजे। हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर यानी अर्जेंटली ये अभी उन्होंने किया है कि लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिले, इसलिए उन्होंने हमारा ये टाइमिंग है वो 1 बजे रात तक कर दी है। दिन भी साथ कर दिए हैं आपके, छुट्टी भी करते हैं? छुट्टी भी कोई नहीं है, यानी रमज़ान में संडे ऑफ नहीं होता हमारा, वो भी हमने लगातार चलना होता है, और सिर्फ दरमियान में ब्रेक सिर्फ अफ्तारी की करते हैं और उसके बाद लगातार 1 बजे। ये जो शर्त रखी गई है कि आईडी कार्ड या कापी साथ लाएं, लोग कोऑपरेशन करते हैं, लड़ते झगड़ते तो? बस सर होता है थोड़ा बहुत, हर बंदे को अवेलेबिलिटी के लिए ये ठीक हो गया है, अभी अब हर बंदे को चीज़ मिल रही है और आराम सुकून से, बल्क में नहीं जाती, दुकानदार नहीं उठा के ले जा सकता क्योंकि एक शिक लग गई है और सिस्टम ऐसा है कि वो जो हमने लिमिट बनाई हुई है हमारे अहकाम बाला ने, उसके बगैर हम एक पैकेट भी ऊपर नहीं किसी को दे सकते।
जी इस्लामाबाद रीजन में तकरीबन 73 ब्रांचेज हैं, उसमें मरी, टेक्सिला, लोकल इस्लामाबाद और कोटली सतियाँ इस्लामाबाद के डोमेन में आता है। तो चेकिंग के लिए अभी आप लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तकरीबन कोई नवंबर 21 से, उसके बाद से हमारे लिए बहुत आसान हो गया चीज़ों को स्टोर्स पे अवेलेबल करवाना, चेक करवाना किस टाइम कौन सी स्टोर पे क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। तो हम कोशिश करते हैं इमीडिएटली वहाँ पर सप्लाई भेजी जाए ताकि जो भी लोग यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामान और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। ये ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी आपका अपना निज़ाम है यूटिलिटी? जी ट्रांसपोर्टेशन का भी हमारा अपना निज़ाम है, हमारे सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं जिस तरह हमारा I-10 में वेयर हाउस है, तो वहाँ से हम तमाम स्टोर्स को फीड करते हैं। तो आपके ये जितना भी है मटेरियल जितना, आपके पास मोबाइल यूनिट भी हैं जो मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में? जी बिल्कुल, मोबाइल यूनिट्स भी हैं, हम फ़िलहाल 3 मोबाइल यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं जो डिफरेंट लोकेशन जहाँ पर हमारे स्टोर्स नहीं हैं वहाँ पर जाकर वो सेल करते हैं। कुछ मतलब रमज़ान बाज़ार्स में भी हमारी मोबाइल वैन जाके ऑपरेट करती हैं। पहले से अब बेहतर क्या हुआ है कि नई चीज़, क्योंकि वज़ीरे आज़म साहब कहते हैं काम काम, एक तो आपकी छुट्टी भी कम कर दी, दूसरा ये है कि मज़ीद बेहतरी क्या जो ख़ास तौर पर आप यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन के लिए? तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हम रमज़ान में हमारी नॉर्मल टाइमिंग से बाकी जहाँ पर टाइमिंग कम हो जाती है बाकी जितने भी इदारे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में हमारी टाइमिंग बढ़ जाती है क्योंकि हम सुबह 8 बजे से लेके, अब तो जैसे नई गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने हमारे कुछ बड़े स्टोर्स पे टाइमिंग रात 1 बजे तक कर ली है। हमारे 200+ स्टोर्स ऐसे हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो रात 1 बजे तक खुल रहे हैं कस्टमर्स को उस करने के लिए। जो मैंने अभी आपसे बात की कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है कि हमारे स्टोर्स ऑनलाइन हो गए, हमारे पास रियल टाइम डेटा आ रहा है और हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी हो गई है कि हम डिसीजन मेकिंग किसी भी वक्त, कि मैं मुझे ये पता है कि मेरे इस वक्त गिलगित में बैठे किसी भी स्टोर पे या कराची में किसी भी स्टोर पे क्या बिक रहा है, रियल टाइम में मेरे पास वो डाटा मौजूद है और मैंने कोई भी डिसीजन करना है तो मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठ के हम इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी 3823 अपने आउटलेट्स हैं जो कंपनी खुद रन करती है, उसके अलावा तकरीबन 1200 आउटलेट्स हमारे फ्रेंचाइज हैं, तो मिल मिला के तकरीबन 5000 आउटलेट्स हैं जो अस्तोर से लेके गवादर तक पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। अच्छा ये 5000 जो आपकी ब्रांचेस हैं जिसमें आपके साथ को प्रोडक्शन भी एक किस्म की है आपके साथ इतिहाद के, वहाँ पे भी वही सहूलतें हैं जो दिगर जो अपनी यूटिलिटी स्टोर? जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो तमाम 5000 आउटलेट्स के ऊपर अवेलेबल है। उसके अंदर जो मेजर 19 आइटम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया है, वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हमारे 5000 आउटलेट्स के ऊपर अवेलेबल है। क्या रिलीफ होता है यूटिलिटी स्टोर में, मुख्तलिफ क्या होता है? कहते हैं सस्ता होता है लेकिन बाज़ औक़ात वही चीज़ें दस्तियाब नहीं होती। देखें हम हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने बताया कि हर जगह हमारे आउटलेट्स हैं और इन आउटलेट्स को सर्व करने के लिए हमारे पास 64 वेयर हाउसेज भी हैं जो के सप्लाई को कंटिन्यू सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हमने स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड 64 वेयर हाउसेज रखे हुए हैं। और इसका मकसद ये है कि हम रिप्लेनिश करते रहें क्विकली अपनी, जैसे जैसे हमारे स्टोर के ऊपर सेल बढ़ती जाती है तो हम उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं वेयर हाउसेज से। लेकिन कभी कभार ऐसा ज़रूर होता है कि जब सेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ जाए, अब शॉप के भी एक फिजिकल स्पेस है उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही आप रख सकते हैं, अगर कस्टमर का रश एकदम से बढ़ जाता है, डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ मोमेंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, फिर हमारी कोशिश होती है इसको जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश किया जाए। कैसे रखते हैं इसको शफाफ, खरीदारी बेहतर तरीके से हो, मटेरियल जो हो वो सब स्टैंडर्ड ना हो, इसको आप कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया सर। प्रीवियसली जो जिस किस्म की कंप्लेंट्स आती थी उसके अंदर ये था कि जी कस्टमर को ओवरचार्ज कर दिया, फॉर एग्जांपल हाँ अगर एक चीज़ लेट से 10 रुपये की है तो उसको 11 रुपये का किसी ने बेच दिया। इसी तरीके से क्वालिटी की जिस तरह की कंप्लेंट्स आप बता रहे हैं कि वो भी आती थी। हमने 2-3 मेजर स्टेप्स लिए हैं सर, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो यूटिलिटी स्टोर के अंदर हो गई है। हमने पूरे अपने ऑपरेशंस को ERP के ऊपर लेके आ गए। अब ERP बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लगाया जाता है ताकि आपके काम के अंदर एफिशिएंसी आए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। हमने पूरे 3800 जो अपने आउटलेट्स हैं उन सब के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भी डिप्लॉय कर दिए,
और ये सारे सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। अब इससे क्या होता है कि हमें विजिबिलिटी होती है रियल टाइम के अंदर कि किस शॉप के ऊपर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने कस्टमर आए, उन्होंने क्या ख़रीदा, ताकि हम अपनी इन्वेंट्री बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। इस दफ़ा रमज़ान के अंदर हमने एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की और वो है आईडी कार्ड के बेसिस के ऊपर सब्सिडी की डिसबर्समेंट। ये बहुत यूनिक इंट्रोडक्शन थी क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। तो जो भी कस्टमर आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, उनको जितना वो चाहें उनको वो चीज़ें लेके जा सकते थे। अब इससे नुकसान ये होता है कि कुछ उसके अंदर, उसी लाइन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका कोई रेस्टोरेंट है, जिनका कोई और अपना कारोबार है, तो बजाय कि सब्सिडी एंड कंज्यूमर तक पहुंचे, वो इस तरह वेस्ट भी होती थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी और शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमने एक सर्टन क्वांटिटी फिक्स कर दी कि घी आप 5 kg लेके जा सकते हैं, तेल आप 5 kg लेके जा सकते हैं, आटा आप 40 kg लेके जा सकते हैं, घी आप 5 kg लेके जा सकते हैं। इससे करने से ये फ़ायदा हुआ कि एक एक्चुअल घर की जितनी नीड है उतना ही वो लेके जाए, उससे ज़्यादा ना लेके जाए। तो अब इससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर हो गई और अब स्टोर के ऊपर जब कस्टमर आता है तो उसको चीज़ें मिलती हैं। ना सिर्फ ये, हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, तो जो भी जाता है उसका NIC पहले पंचन होता है, सिस्टम उसको चेक करता है कि इसने पहले कितना लिया हुआ है, और वो अगर इस लिमिट को ब्रीच कर रहा है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल है, 1 अप्रैल से लेकर आज 28 हो गई, हमारे पास हर ट्रांजैक्शन NIC के साथ, किस स्टोर पे किस कस्टमर ने क्या लिया, वो तमाम हमारे पास अब बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, बड़े बड़े ताजर ज़खीरा अंदोजी करते हैं, बड़े बड़े घराने भी ज़खीरा अंदोजी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहते हैं। अब अगर आप एक शनाख्ती कार्ड पे एक लिमिट कर देंगे, इतना सौदा आप ले सकते हैं, तो एक घर के 10 बंदे हैं, वो एक एक कार्ड लेके आ जाएंगे। NIC जो है एक हमारे पास वैलिड वेरिफिकेशन का एक मेथड है कि ये वाकई एक एडल्ट है और ये इस बंदे को जब हम सब्सिडी देते हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि एक घर के अंदर अगर लेट्स वो 10 अफराद हैं और 10 के 10 के NIC कार्ड हैं, तो वो बिल्कुल आप हर आईडी कार्ड के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका मकसद ये था कि जो पहले कोई भी बंदा जितना मर्जी लेके जा सके उसको कम करके हमने एक आईडी कार्ड के ऊपर एक लिमिट लगा दी। अब उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था। सो देयरफॉर इस दफ़ा आईडी कार्ड की शर्त रखने से फ़ायदा ये हुआ है कि एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा। हमारा मकसद ये था कि एंड कंज्यूमर तक पहुंचे, जो वाकई जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन लोगों तक सब्सिडी पहुंचे। अब वो लाइन में अगर लगते हैं और वो पूरा दिन जो है गर्मी के अंदर रोज़े की हालत के अंदर वो आते हैं, यूटिलिटी स्टोर के अंदर आते हैं और वो ख़रीदारी करते हैं, तो वो बंदा डिज़र्व करता है कि उसको एक सर्टन लिमिट का प्रोडक्ट ज़रूर दिया जाए। जिस तरह आपने बताया, ये हमने फीडबैक भी मिला कि कुछ घर बहुत ख़ानदान बड़े भी होते हैं, ऐसा भी होता है कि एक घर के अंदर 10 अफराद हैं लेकिन आईडी कार्ड सिर्फ एक का है, ऐसे भी होता है। लेकिन अब कोई ना कोई तो मैकेनिज्म हमने तय करना था ना कि यार किस तरीके से इसको मैक्सिमाइज किया जाए जो सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाहती है। मोबाइल स्टोर बनाए गए थे जो ख़ास तौर पर उन आबादियों में जाते थे जो कच्ची आबादी हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ के लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते, इस दफ़े भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5000 ब्रांचेज हैं अपनी और फ्रेंचाइज मिला के, इसके बावजूद कुछ ऐसे इलाके होते हैं कि जो कि रिप्रेजेंट नहीं हो पाते, जहाँ हमारी लोकेशन नहीं है। तो हमारी फिर कोशिश ये होती है कि मोबाइल स्टोर के ज़रिए उन कम्युनिटीज़ को भी सर्व किया जाए। तो पिछले रमज़ान की तरह इस रमज़ान के अंदर भी हमारी over 100 मोबाइल स्टोर्स काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आपको जान के खुशी होगी कि ये 100 जो मोबाइल स्टोर हैं, इनके अंदर भी वो POS मशीन टर्मिनल है, वो भी कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल सर्वर से, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन उसके ऊपर भी होती है वो भी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर आ रही है। बड़ी बल्क में चीज़ें आप मंगवाते हैं, कोई भी आइटम होता है तो उसके पीछे कमीशन का या इस तरह की, ये एक आंसर जो है इस पर भी आपने काम किया? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो कमोडिटीज़ है वो सारी की सारी हम पेपरा के रूल्स के अगेंस्ट ही प्रोक्योर करते हैं, और उसके अंदर हमारे 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड है। किसी भी लेट से दाल का अगर टेंडर है तो उसके अंदर पहले हम क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं कि क्या वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर मीट करता है या नहीं करता। अगर वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मीट करता है तो फिर हम उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं कि अच्छा उसकी बिड कितनी कंपेटिटिव है, और हम उसको देते हैं जो सबसे लोएस्ट है। अभी पेपरा का निज़ाम है, इसका मकसद यह है कि कंपटीशन हो,
और बेस्ट प्राइसेज मिलें जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर हैं। जो दूसरा हिस्सा है हमारा वो ब्रांडेड आइटम्स हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लें, बजाय कि किसी इंटरमीडियरी से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेने के, होलसेल से लेने के, हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। सो जैसे अगर फॉर एग्जांपल सनसिल्क है या लक्स साबुन है, तो वो हम यूनिलीवर से लेते हैं जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उसके बीच में किसी इंटरमीडियरी से नहीं लेते, वो उसकी क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कुछ जो एडिबल जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह घी है, जिस तरह तेल है, उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि जो वेल रिप्यूटेड जो कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो हम अपने प्रोडक्ट्स हमारे पास रखें। उसका हमें एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि वो PSQCA के स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्टिफाइड होती हैं, तो एक गारंटी होती है एक सर्टन क्वांटिटी क्वालिटी की। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो कमोडिटीज़ हैं वो ओपन टेंडर के थ्रू, और जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली हम प्रोक्योर करें। पहली दफा किया या इससे पहले भी ऐसा हो रहा था? बिल्कुल, ये पहले भी ऐसे हो रहा था, पहले भी ऐसे हो रहा था। इससे पहले जो हो रहा था तो फिर इसको मजीद शफाफ आपने कॉम्पिटिशन, अच्छा। देखें जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ना उतनी आपको बेहतर प्राइसेस मिलेंगी, इतनी बेहतर ऑफर मिलेगी। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हम टेंडर करें हम मैक्सिमाइज करें सप्लायर्स को, और हमारा सप्लायर पूल अब बढ़ रहा है। पहले अगर 6 सप्लायर पार्टिसिपेट करते थे टेंडर के अंदर, तो आज औसतन 8 या 9 जो है सप्लायर्स पार्टिसिपेट करें। जितना कंपटीशन होगा उतना बेहतर है एंटिटी के लिए कि उसको एक बेहतर से बेहतर प्राइस मिलेगी। वजीर आजम पैकेज क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने इनको प्रेजेंटेशन भी दी रमज़ान रिलीफ पैकेज के ऊपर, तो उन्होंने आटे का जब रेट देखा कि 950 का है, मार्केट के अंदर 1100 का है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर 950 का, तो उन्होंने गिवन के इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, तो उन्होंने पहली उसमें डायरेक्शन के अंदर हमें कहा कि इस रेट को कम करें आप, और ये 950 के बजाय अब 800 का बेचेंगे आप। अब ये मज़ीद 150 रुपये की उन्होंने कमी करवाई। इसी तरीके से चीनी का रेट 85 रुपये था हमारे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने जब चीनी का रेट देखा उन्होंने कहा इसको फ़ौरन से कम करके 70 रुपये पर लेके आए। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ ही यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ये स्पेशल पैकेज दिया, और अगले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये था कि फौरन से फौरन जो है ये रिलीफ आम आवाम तक पहुंचे। ये 19 की रात को फैसला हुआ और 20 की सुबह इम्प्लीमेंटेशन हो गई। सो प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये है कि लोगों को इस मुश्किल हालात के अंदर मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाया जा सके। ठीक है, रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ हर आदमी आम आदमी की तरह कि जब आपने इतना गैप का रिलीफ दिया तो फिर इसको आपने कंपनसेट कैसे? हमारी आप हैरान होंगे, हमारी जितनी सेल्स में इंक्रीज आया है जिस दिन ये फैसला हुआ, हमारे आटे की सेल ऑलमोस्ट डबल हो गए अगले दिन ही। अब उसकी वजह से जैसे ये डिसीजन लिया गया तो एकदम से डिमांड हमारी डबल हो गई, तो ऑब्वियसली स्टोरों के ऊपर एकदम से रश हुआ, और फिर हमें अपनी सप्लाई को डबल करना पड़ा बहुत क्विकली ताकि जो है कस्टमर को रिलीफ पहुंचाया जा सके। चीनी के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह ही है, हमारी सेल मोर देन डबल हो गई ये ओवरनाइट जब प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन आया, तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई चेन के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, और लेकिन ये स्ट्रेस हम लोगों ने भरपूर तरीके से इसको ओवरकम किया, और अपने तमाम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कोशिश की कि हम सप्लाई को इंश्योर कर सकें। आवाम को रिलीफ लगाने देने के लिए सस्ते बाजार लगाए गए, आपके इर्द गिर्द भी सस्ते बाजार? बिल्कुल हैं, तो फिर वहाँ पे भी स्टोर की एक्सेस होगी आपके, आपने वहाँ पे भी आउटलेट की जी? फॉर एग्जांपल अभी हम इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं इधर G72 के अंदर, फिर इसी तरह G92 के अंदर भी सस्ता बाजार है, उधर भी हमने मोबाइल वैन भी अपनी डिप्यूट कर दी है ताकि लोग उधर जा जो सस्ते बाजार आ रहे हैं वो भी यूटिलिटी स्टोर की जो मोबाइल वैन है उसके थ्रू वो जो कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उससे वो मुस्तफीद हो सकते हैं। एक और चीज़ है, ख्वातीन खास तौर पे बच्चियाँ हैं, ख्वातीन हैं, जब इन स्टोरों में जाते हैं और जहाँ पर रिलीफ भी बहुत ज़्यादा हो फिर रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो खातून बेसिकली सनफ नाजक थोड़ी सी उसके लिए रिलीफ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसके लिए भी कोई काउंटर सिस्टम करते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये सर कि हमारे माशरे के अंदर एक रिवायत भी है कि जब खवातीन सामने आती हैं तो लोग उनको खुद भी जगह देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द जो है वो अपनी लाइन के ऊपर देखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा खातून आती है तो उसको खुद भी फैसिलिटेट करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। दूसरा हमने काम ये किया कि हमने 200 जो हमारे सबसे टॉप स्टोर्स थे जहाँ रश सबसे ज़्यादा होता है वहाँ हमने एडिशनल मशीन लगा दी। अगर किसी जगह 3 मशीनें लगी हुई थी उधर हमने 1 मशीन और बढ़ा दी इजाफी,
इजाफे, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो 25% बढ़ गई। हम कोशिश ये करते हैं कि फिर लाइन अलहदा से ख़वातीन की अलहदा से लाइन लग जाए। अगर आप किसी भी स्टोर पर जाएँ, मर्द और ख़वातीन की लाइनें अलहदा अलहदा, वो दोनों एक लाइन के अंदर। सीनियर सिटीजन जो है उसको, उनके लिए भी हमने जो अपने जहाँ रश ज़्यादा होता है, जहाँ स्पेस है, तो वहाँ हम करते ये हैं कि वहाँ शामियाना लगाते हैं और साथ ही कुर्सियों का बंदोबस्त है कि अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वो आके बैठ सके, क्योंकि टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर। इतना रश बढ़ गया है कि जहाँ स्टोर के ऊपर 50 कस्टमर आते थे, उधर आज 300 कस्टमर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको रश को मैनेज करने के लिए फिर हम फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर को कि यार एटलीस्ट धूप में ना खड़ा हो, शामियाने के अंदर हो, फिर अगर जो एल्डरली हैं वो सीट पर बैठ सके, और लोग ख़ुद भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। आवाम जो आपके पास आती है हज़ारों नहीं वो लाखों की तादाद में, उसका क्या फ़र्ज़ है कि आपके स्टोर में जब आएँ चीज़ें लेने के लिए आएँ तो बेतहाशा ज़खीरा अंदोजी वाला या दूसरा ना, उनके लिए कोई मैसेज है? सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो बार बार आते हैं। अब इतने इंतहा रश की वजह से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस के साथ जो है वो आप लोग शॉपिंग करें और कोशिश करें कि स्टाफ को भी के साथ भी अच्छा रवैया बरताव करें, और अपना आईडी कार्ड लाना मत भूलें क्योंकि वो एक शर्त है। और मैंने देखा शुरू के अंदर ये कस्टमर का एक था कि जी आपने आईडी कार्ड की शर्त रख दी, आईडी कार्ड तो हम लेके नहीं आए। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस करता गया अब ये आम बात हो गई है, लोग अब आईडी कार्ड खुद साथ लाते हैं। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि आप लोगों तक सब्सिडी पहुंच सके, ये आपके लिए। तो इसको काइंडली पेशेंटली आप लाइन में इंतज़ार करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और अपने हमारे स्टाफ के भी आप हिम्मत अफजाई कीजिए क्योंकि ये लोगों की वजह से आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आज़म साहब एक पैकेज देते हैं, यूटिलिटी स्टोर उस पर अमल करता है, अब आपका क्या फ़र्ज़ है कि प्लीज़ खुशी के मौके पे इस माह मुकद्दस में जितनी भी आप चीज़ें खरीदें उतनी खरीदें जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्टोरेज ज़्यादा कर लेते हैं चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं और इस तरह किसी का हक भी मारा जाता है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की तादाद है जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि उनके पास ख़रीद की इस्तेआत नहीं है, उनके हक का भी ख्याल रखें। जब आप ऐसा करते हैं, अमीर गरीब मिल के चलते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, तो फिर वो खूबसूरत पाकिस्तान बनता है जो हज़रत कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अलामा इकबाल का पाकिस्तान है, जिसकी ख्वाहिश हम सब पाकिस्तानी रखते हैं। प्लीज़ अपने आप के साथ साथ अपने पड़ोस में देखना रमज़ान शरीफ के दिनों में और ईद के दिनों में, ताकि सब खुशियाँ मना सकें। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बान। Pakistan, Pakistan.